छतरपुर नगर पालिका सीएमओ को स्थायी लोक अदालत लोक उपयोगी सेवाओं से संबंधित मामले में बीते 16 नवंबर 2022 के आदेश का पालन न करने एवं असत्य प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के संबंध में आदेश दिया है। ऐसे स्थायी लोक अदालत के आदेश के पालन के लिए सीएमओ के वाहन एवं उनके कार्यालय की टेबल कुर्सी को कुर्क करने संबंधित न्यायालय द्वारा आदेश जारी किया गया है। वही आपको बता दें कि आवेदक काशी प्रसाद साहू का भवन छत्रसाल चौराहा महल रोड जिला चिकित्सालय के सामने स्थित है, जिसमें स्थित दुकान में आवेदक का बेटा जितेंद्र साहू महाजन मेडिकल स्टोर के नाम से दुकान संचालित करता है। वर्ष 2016 के सितंबर माह में छत्रसाल चौराहे से महल रोड की ओर पूर्व दिशा में आरसीसी का फुटपाथ बनाया गया था और अन्य मिठाई व फल विक्रेता द्वारा दक्षिण से उत्तर की ओर बहाए जाने वाले गंदे पानी की निकासी की व्यवस्था नहीं की गई, जिससे बरसात का पानी जमा हो रहा था। नवनिर्मित फुटपाथ के आगे कच्चा सेप्टिक टैंक बना है, इसलिए दुकान के आसपास गंदा पानी जमा हो जाता है। आवेदक द्वारा इस संबंध में मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पर शिकायत भी की थी, वहीं इसका कोई निराकरण अब तक नहीं किया गया। इसके बाद आवेदक ने न्यायालय में अपने दस्तावेज प्रस्तुत किए, जिसका सीएमओ ने न्यायालय में जवाब दिया कि नगर पालिका छतरपुर द्वारा छत्रसाल चौराहा महल रोड जिला चिकित्सालय के सामने बह रहे गंदे पानी की निकासी के लिए समुचित व्यवस्था कर दी है। अब पक्की नाली का निर्माण किया जाएगा। इसके बाद नगर पालिका द्वारा नाली निर्माण नहीं कराया गया, बल्कि आवेदक के खिलाफ नोटिस जारी कर दिया गया। इस पर आवेदक काशी प्रसाद साहू ने न्यायालय को फिर अवगत कराया। अब न्यायालय ने आदेश जारी कर नपा सीएमओ के खिलाफ कुर्की का आदेश पारित किया है। बता दें कि इस प्रकरण में स्थायी निरंतर लोक अदालत एवं लोकोपयोगी अदालत द्वारा आदेश पारित किया गया था, जिसका निष्पादन न्यायालय द्वारा किया गया। कुल मिलाकर न्यायालय की इस कार्यवाही से नगर पालिका परिषद छतरपुर में हड़कंप की स्थिति नजर आई, तो वहीं दूसरी ओर जब न्यायालय की टीम सीएमओ के चैम्बर में पहुंचे तो सीएमओ भी नदारद। अरविंद सिंह भूरिया साहब की कोर्ट का मामला है, वहाँ से हमें वारंट मिला था कुर्की करने के लिए, वसूली के लिए, कि उक्त राशि 40,000 रुपये हमें वसूल करके दें। यदि वो ऐसा नहीं देते हैं, जब उन्होंने नहीं दिया है, जिसके बाद मैंने कार्रवाई की। क्या कार्रवाई की? कार्रवाई जो सीएमओ का चैम्बर है उसमें जा करके जो उक्त सामान मिला है, जो उक्त सामान मिला है मैंने उसकी जब्ती बनाई। जबकि मैं मैंने टेबल बनाई है, दो टेबलें हैं, 6 कुर्सियां हैं, सीएमओ की कुर्सी है, दो पंखे और एलईडी और एसी। गाड़ी पर भी कोई कार्रवाई करनी? गाड़ी पे कार्रवाई, जब मुझे मौके पे गाड़ी मिलती तो मैं उसकी कार्रवाई करता, मौके पे गाड़ी नहीं मिली, ना सीएमओ साहब उपस्थित मिले, इस कारण से ना गाड़ी की कार्रवाई हुई है और ना उनके। छतरपुर से भरत यादव की रिपोर्ट।